हम लोग आज जमा हुआ है, हम लोग ये लैंड अफेक्टेड पीपल्स फोरम का प्रति लोग जमा हुआ है। तो जमा इसलिए हुआ है कि हमारा कैपिटल डीसी साहब ने हम लोग का यहाँ स्पॉट हेयरिंग स्पॉट एविक्शन बोल के एक ऑर्डर निकला है। तो उसी में मैंने वो लोग एविक्शन करेगा बोल के डर करके हम लोग आदमी को जमा करने दिया, बुलाया है। तो वही है, इसलिए हम गवर्नमेंट को, हमारा यहाँ का अरुणाचल गवर्नमेंट को अपील है कि हमारा मांग को पूरा कीजिए। हम 2013 से हम मांग के आया, 2013 में आपने हमारा मांग को सुन के कमिटी गठन किया। तो कमिटी गठन करके 2018 में आपने हमको लैंड रेगुलेशन कर देगा बोल के कैबिनेट डिसीजन दे दिया 2018 का 30 जनवरी में। तो 30 जनवरी में कर दिया तो हम लोग बहुत गवर्नमेंट को खुशी लगा। तो अंदर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू और उस समय का लैंड मिनिस्टर हमारा नाबम रिबिया ने कर दिया था। तो अभी वही हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा मांग को मानिए, और पहले से तो मान के तो आ रहा है, लेकिन अभी हमारा डीसी साहब ने हम लोग को एक एविक्शन नोटिस जारी करते रहता है और समन नोटिस देते रहता है उसका ऑफिस में। और हम अभी चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है। तो आप डीसी साहब जो है अभी हम लोग को समन बुलाता है और थाना में समन बुलाता है, बुला के बेल बॉन्ड साइन करने देता है, उसमें भी कुछ लेता है, उसको भी चीफ सेक्रेटरी को हम मांगा है कि बंद कर दीजिए। और जो अभी हम लोग को समन दे रहा है उसको बंद कर दीजिए। और जो चुपके बेच रहा है, तो चुपके बेच रहा है उसको हम लोग अभी सर्वे करके हम लोग लिस्ट दे देगा। इसमें आप डीसी साहब ताकत दिखाइए ना हमारा कैपिटल डीसी, क्योंकि हम लोग ये लैंड अफेक्टेड ग्रुप इतना कस करके आया, कस से हम लोग कागज़ पत्र बना बना के आया, कमिटी 2-3 बार गठन हुआ, फिर वो लोग वेट इन वॉच में हो रहा है। तो वेट इन वॉच वाला को आप मत छोड़िए, आप जैसे हम लोग भी निकल देगा। तो आपने हम लोग का मांग को एक माना है कि सर्वे हाउसिंग थीम और हाउसिंग थीम और आपका लैंड अफेक्टेड पीपल्स फोरम का थीम और उसका पीपीएफ थीम को दे देगा और साथ में जाने देगा बोल के आपने एग्री किया। हमारा रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेकर एग्री किया है। तो अभी आप हाउसिंग थीम भी हम लोग का साथ दीजिए और इसी साहब आपका पीपीएफ थीम को भी साथ हम लोग को ले जाने दीजिए। तो इसलिए हम पहले भी ब्रीफिंग हुआ कि हमारा इंक्रोचर ग्रुप जो है हम लोग खराब आदमी नहीं है, क्योंकि उपाय नहीं है ओके घर बनाया, उपाय नहीं है ओके हम लोग आपका घर का सामने में घर बनाया, तोड़ा होगा तो गलत था, लेकिन मजबूरी में किया होगा, तोड़ा भी होगा। तो इसलिए हम अपील है कि गवर्नमेंट आप हमारा मांग को जल्दी सुलझा देने से ठीक है। करीब यहाँ पे 200 से 300 आदमी है, ये तो आज का आदमी नहीं है, बहुत साल से यहाँ पे बैठ रहे हैं। कोई कोई का बच्चा यहाँ जन्म हुआ है, कोई कोई तो यहाँ पे ही जन्म हुआ होगा। तो आप लोग को क्या लगता है कितना गवर्नमेंट जो जस्टिस दे रहे हैं आप लोग का साथ, कितना जस्टिस करने जा रहा है? ये जवाब हम देते हैं जी। देखो कैपिटल में इंक्रोचर का जो इशू है ना, बहुत गंभीर है, सीरियस है जी। ये एक कैपिटल है, कैपिटल का हिसाब से, राजधानी का हिसाब से यहाँ ब्यूटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ, इंक्रोचर ऐसा बस गया कि आज का दिन में उसका इतना नंबर्स ज़्यादा हो गया। जैसे 2010 में गवर्नमेंट ने सर्वे किया, लैंड डिपार्टमेंट ने, वहाँ में हम लोग को मिला 5040 2010 का बात है जी। उस समय में उसको देख के सरकार ने एक फैसला दिया कि वो कैबिनेट डिसीजन का रूप में तो उसको रेगुलराइज किया जाए।
उसका बाद आज का दिन में कितना साल हो गया, आज 2022 है और बीच में नया नया इंक्रोचर्स बहुत हो गया, इसका एग्जैक्टली डाटा हमारा पास नहीं है, लेकिन अभी इसको हम लोग सेक्टर टू सेक्टर वेरीफाई किया जाए तो सब मिलेगा, तो ये बात अपडेट अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन दूसरा बात ये है कि इसी इंक्रोचर इशू को लेके अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने रोज़ समन देगा, उसका बाद 20 बॉन्डिंग करेगा, इसका बाद आपका पुलिस में थाना में रोज़ बुलाएगा, डीसी ऑफिस में ये बुलाएगा, ये कॉमन जो आदमी लोग को, इसमें से इंक्रोचर लोग जो है एक आदमी का एक सेक्शन का नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट से लेकर के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व है, और बड़ा बड़ा आदमी छोटा आदमी ऐसा बात नहीं, सब इन्वॉल्व है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट लीडर हो या स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट हो, सब किस्म का सब जात सब इन्वॉल्व है। तो इसको हम लोग चाहता है कि इस तरह का क्योस कन्फ्यूजन हरसमेंट होने से अच्छा है, गवर्नमेंट से अपील है कि इसको एक एक ऐसा डिसीशन दो कि ये चीज़ जो है मिट जाए, ये सब चीज़ जो रिजॉल्व हो जाए, और ऐसा नहीं करके एडमिनिस्ट्रेशन का ओर से, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम उसका रूटीन ड्यूटी है, लेकिन वो जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में ले करके यही इंक्रोचर लोग को रोज़ बुलाते रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तकलीफ मिलता है, तो लाइव वीडियो करता है, उसका बाद में हेयरिंग करता है, कोई प्रेग्नेंट वोमेन आता है, कोई पेशेंट वोन आता है, ऑफिस नहीं जा पाता है, अपना छुट्टी लेकर बहुत सा प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर के हम लोग एक फोरम ने एसोसिएशन चाहता है कि सरकार जो हमारा सरकार है वहाँ एक ऐसा सोलूशन दो कि ये चीज़ परमानेंटली रिजॉल्व किया जाए। तो इसमें किस तरीका से रिजॉल्व किया जाए, उसमें भी हम लोग उनको सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि जैसा बिल्डिंग बना चुका, जिसने बिल्डिंग बना चुका और जितना बिल्डिंग बना लिया, इसमें आप देखिए सब का अलॉटमेंट है और दिया है गवर्नमेंट अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट लेकर के इसने घर बनाया, वो भी गवर्नमेंट क्वार्टर के सामने में ही बनाया। जब नया अलॉटमेंट लेकर गवर्नमेंट क्वार्टर बनाते समय में जो पुराना बिल्डिंग्स है, जो 70s में 74 में बनाया गया बिल्डिंग जो है वो नालायक है, जो बैठने का नालायक है, मेंटेनेंस नहीं किया, पान नहीं दिया गया, तो इस तरह का वो करके वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वार्टर जो है अपना से ऑटोमेटिकली डैमेज हो गया, सर गया, तो कोई मेंटेनेंस चीज़ नहीं है। तो ऐसा करके नया बिल्डिंग खड़ा करते समय में वो पुराना चीज़ जो है अपना आप से वो या तो डैमेज हो गया या तो डैमेज कर दिया गया, तो ऐसा करके नया नया बिल्डिंग बहुत उसका जगह में आज है। तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डेमोलिश करेगा, ये बात आता है डेमोलिश करेगा, तो अगर डेमोलिश करता है तो इसमें किसका फ़ायदा है, किसी का भी फायदा ना, सरकार का ना, एडमिनिस्ट्रेशन का ना, हम लोग का। तो हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि इसको डेमोलिश नहीं करके एक रास्ता हम लोग को दे दीजिए, जो परमानेंटली सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर दीजिए, जैसा या तो जैसा ये चेयरमैन ने कहा, या तो ये हमारा अगर को वैल्यूएशन लगा के आप ले लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, जो वैल्यूएशन हमने ज़्यादा नहीं मांगा, आप जो वैल्यूएशन लगा कर दे दीजिए, हम चला जाते हैं, आपको सरकार को छोड़ कर चला जाता है, ये एक सुझाव है। दूसरा, नहीं तो हम लोग को इम्पोज कीजिए, पेनाल्टी लगा दीजिए और ज़मीन का रेट लीजिए, वोटर का रेट लीजिए, लगाइए हमारा ऊपर इम्पोज पेनाल्टी, हम दे देते हैं आपको और हमको छुटकारा इससे दिला दीजिए, शांति से रहने दीजिए। और दूसरा लास्ट जो है, या तो आप पैसा नहीं ले सकता है या नहीं हमको नहीं देने दे रहा है या आप नहीं लेगा, तो आप चाहता है कि ठीक है एकोमोडेशन का बदली एकोमोडेशन, घर का बदली घर चाहिए, तो भी हम तैयार हैं, हमारा बिल्डिंग में से आपको उसी एकोमोडेशन सेम एकोमोडेशन हम देने के लिए भी तैयार है, हमारा पास सब सॉल्यूशन तैयार है, लेकिन हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, उसको एक फैसला चाहिए। तो वो नहीं करके सिर्फ वो जेल ले जाएगा, समन करेगा और ये इवेक्शन करेगा, घर तोड़ेगा, बिल्डिंग तोड़ेगा, ये थोड़ा शोभा नहीं देता आज का दिन में, तो कोई भी नहीं चाहता है, आप हो या हम हो, घर तो चाहिए बैठने के लिए। तो इतना मेहनत से यहाँ में
खून पसीना करके कमा कर बनाया कोई गरीब लोग दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आके कैपिटल है सब सब जनजाति यहाँ रहता है तो वो बनाया इतना मेहनत करके बनाया वाला वो लोग नहीं चाहता है कि उसका घर बुरे बिना कॉम्पेंसेशन से बिना एक वो अल्टरनेटिव एक सोल्यूशन बिना कारण से टूटे तो आज जो आया है कि वो मेरा बिल्डिंग को मत टूटिए कुछ एक सोल्यूशन दीजिए कुछ एक रास्ता निकालिए वो उसी कारण से आया है। हम लोग गवर्नमेंट को लड़ने नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग लड़ने नहीं आया पुलिस को हम लोग झगड़ा करने नहीं आया सिर्फ इतना आया है कि हमारा घर को मत टूटिए हमको एक अच्छा रास्ता दिखाइए ये इसी के लिए जमा है और आज इसलिए यहाँ जमा है कि डीसी का कहना था कि आज स्पॉट हेयरिंग करेगा और इवेक्शन ऑर्डर देगा और घर टूटेगा और ये एच सेक्टर से शुरू होगा तो ये एच सेक्टर से शुरू होगा ये बात सुन के ये हमारा कहाँ कहाँ से या सेक्टर वाला और कहाँ से आज जो 10-20% जमा हुआ है सेक्टर से एक एक रिप्रेजेंट करके आया है ये पूरा नहीं आया है और सचमुच अगर कल पोड़ने पोड़ने का अगर बात होगा तो पता नहीं क्या होगा वो हम लोग नहीं बोल पाएगा तो बात में अभी और सुना है कि ये जो आज जो स्पॉट हेयरिंग करना था इसका जो हाईकोर्ट से स्टे दे दिया और स्टे मिल गया इसका कारण शायद हमारा डीसी जो है स्पॉट हेयरिंग आज नहीं कर पाएगा ऐसा हम लोग को खबर मिला है। थैंक यू। क्वार्टर है अपना तो गवर्नमेंट के लिए वो आगे वाला जमीन को अच्छा से रख दिया कुछ एक्सटेंशन नहीं किया क्योंकि एक्सटेंशन मत करो बोला ना तो नहीं करके रखा है तो रखने के बाद में वो जो जमीन को अच्छा से रख दिया वाला जमीन को कोई और बाहर से आता है आकर उसको ऑक्यूपाई करता है तो ऑक्यूपाई करते समय मार्केट कर ऑक्यूपाई करता है तो उस समय में वो औरत जो डीसी का पास में जाता है कि डीसी आपका वो गवर्नमेंट का क्वार्टर का जो जमीन है उसको ले रहा है आप कुछ कीजिए डीसी का उधर कागज़ लेके जाते हैं कंप्लेन लेटर फिर भी डीसी नहीं आता है और एक बार थाना में भी जाता है कि वो जमीन छीन रहा है आपका गवर्नमेंट का जमीन को छीन रहा है वो का थाना में भी जाता है पुलिस वाला भी FIR लेता है लेकिन आता नहीं है तो वो लोग उस समय में अपना जमीन जब उन लोग को कंप्लेन दिया है उस समय अगर डीसी लोग अगर अपना जमीन है मेरा गवर्नमेंट का जमीन है बोला तो उस समय क्यों नहीं आया बचाने के लिए ना नहीं आया उस समय तो उसमें क्या हुआ कि वो आदमी जो कहाँ का एक बीच आदमी जो आकर जमीन को लेकर अभी बढ़िया से घर बना के बैठा है और जो वहाँ में गवर्नमेंट जो नौकरी करने वाला हो 20 साल से 30 ईयर से बैठ रहा है लेकिन वो जमीन को ऑक्यूपाई नहीं किया ना तो इसलिए अभी सर जो डीसी सर जो बोल रहे कि घर घर को जाकर तोड़ेगा ना उस समय जब कंप्लेन किया तो कहाँ था वो लोग उस समय नहीं था वो आया नहीं है ना ये नंबर ये था एक हाँ और एक है अभी गवर्नमेंट क्वार्टर को बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर को ये रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा देता है नहीं देता है ना कुछ भी ये इतना घर सड़ रहा है घर खराब हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट जो इसको रिपेयरिंग करो ऐसा करो उनका नहीं देता उसको आदमी जो क्वार्टर में जो बेचने सुंदर से रिपेयरिंग करके बेच रहा है उल्टा गवर्नमेंट उसको थैंक्सफुल देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का जमीन को गवर्नमेंट का घर को सुंदर से बेच रहा है ना थैंक्सफुल देना चाहिए उस देने का जगह में अभी तोड़ेगा बोल के बोल रहे ना इसलिए हम उससे भी अभी यहाँ में आए बहुत दुख लगा है देखकर और इतना साल से यहाँ में बेचने वाला लुक भी है ना तो जैसे आप लोग ये सारा लुक बोला है हम सब का डिमांड ये है कि एक सोल्यूशन में ला देना है जैसा भी हम लोग का एक सोल्यूशन में लाना है और हम लोग को एक अच्छा से डिसीजन देकर हम लोग का एक शांति जीवन शांति से बेचने देना ये हम लोग का तरफ से मेरा तरफ से भी ऐसे